أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं तो बंदे को डॉक्टर के कदमों में मौत दे देते हैं, और अगर चाहते हैं तो बंदे के नाम मुर्दों की फहरिस्त से निकलवा देते हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब दोस्त थे, वो एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, बड़े थे, 300 बेड का हॉस्पिटल था। तो कहने लगे कि एक मरतबा मेरे पास लिस्ट आई उन मरीजों की जो फौत हो गए, तो रोजाना मैं साइन करता था तो वो डेड बॉडीज वारिसों के हवाले कर दी जाती थी। तो मैं साइन करने लगा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं जरा इनके चेहरे तो देख लूं। कहने लगा, मैंने चेहरे जो देखे तो एक बूढ़ा आदमी था। ऐसी मेरे जहन में गया कि कहीं इसको फिट का दौरा तो नहीं पड़ा, तो मैंने टीका मंगवाया और इंजेक्शन उसको लगा दिया। अल्लाह की शान, वो उठ के बैठ गया। मुर्दों की फहरिस्त में उसका नाम लिखा जा चुका है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो फहरिस्त से नाम निकलवा देते हैं। और एक और डॉक्टर साहब के बारे में हम जानते हैं कि वो इतने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं कि मुल्क के सदर वजीर आजम के वो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, VVIP के हार्ट स्पेशलिस्ट। एक नौजवान आया और आके उसने उनसे चेकअप करवाया, तो डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप करने के बाद उनको कहा कि योर हार्ट इज फंक्शनिंग एज गुड एज दैट ऑफ ए यंग मैन, कि तुम्हारा दिल तो एक नौजवान बंदे के दिल की तरह ठीक ठीक काम कर रहा है। उस नौजवान ने उनसे अपनी फाइल पकड़ी और पीछे मुड़कर जो कदम उठाया वहीं उसको हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर की आंखों के सामने उसकी जान निकल गई। तो अल्लाह ताला चाहता है तो डॉक्टर के कदमों में जान दे देता, मौत दे देता है, और अल्लाह ताला चाहता है तो मुर्दों की फहरिस्त से बंदे का नाम निकलवा देता है। और कई मरतबा इंसान मौत से भाग के जा रहा होता है और हकीकत में मौत के करीब हो रहा होता है। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, एक शख्स दाखिल हुआ और उसने वहां बैठे हुए किसी आदमी को बड़े गौर से देखा, तो जिस बंदे को गौर से देखा उस पर बहुत खौफ तारी हुआ। वोट के सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत मुझ पर बहुत खौफ है इस शख्स का जिसने मुझे गौर से देखा, आप प्लीज हवा को हुक्म दें मुझे दूर फना जजीरे के अंदर पहुंचा दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया। इतने में आपने उस बंदे को बुलाया जिसने घूर के देखा था, पूछा कभी कौन हो? उसने जवाब दिया, जी मलकुल मौत। तुम उसे घूर के क्यों देख रहे थे? तो कहने लगे कि मैं इसलिए उसको गौर से देख रहा था कि इसकी रूह तो मैंने फलां जजीरे के अंदर निकालनी है और ये आपके दरबार में यहां बैठा हुआ है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि उसने मुझसे खुद रिक्वेस्ट की कि मुझे फलां जजीरे में पहुंचा दे। मलकुल मौत ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं भी उसी जजीरे में जा रहा हूं उसकी रूह को कब्ज करने के लिए। बनी इसराइल के 5-6 आदमी सफर पे, 7 आदमी सफर पे जा रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई, बिजली चमकने लग गई। इतनी खौफनाक बिजली चमक रही थी कि उनको ये ख्याल हुआ कि आज ये हम में से किसी ना किसी को लेके जाएगी। वो एक गार के अंदर छुप गए, मगर बारिश भी ना थमती थी और बिजली चमकना भी ना रुकती थी। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई ऐसे करो, एक एक करके बाहर निकलो, जिसको बिजली ने जलाना होगा वो जला देगी तो बाकी तो सुकून का सफर कर सकेंगे। चुनाचे एक निकला, बिजली चमकी मगर उसको जलाया नहीं, वो वापस आ गया। फिर दूसरा निकला, खैरियत से वापस आ गया। तीसरा निकला, चौथा निकला, 6 निकले और 6 के 6 को बिजली ने नहीं जलाया, एक बाकी रह गया। सब कहने लगे कि तू मनहूस है, बदबख्त है, तेरी वजह से ये सारी मुसीबत आई हुई है, निकल बाहर। उसने कहा, मैं नहीं निकलता।
सब जोर लगा रहे हैं, कह रहे हैं, लड़ रहे हैं कि निकल बाहर, वो कहते नहीं निकलता। वो ऐसा वहां पर जमा कि उसने कहा जो मर्जी कर लो, मैं रार से बाहर नहीं निकलूंगा। तो कुछ देर के बाद इनके जहन में ख्याल आया कि अगर ये बाहर नहीं निकलता तो हम तो सब एक एक करके निकल चुके, चलो हम निकलते हैं और हम सफर पे चलते हैं, ये अंदर ही रहे। जैसे ही वो छह के छह बाहर निकले, बिजली चमकी और छह के छह को मौत आ गई। अब ये सब धकेल रहे थे सातवें को और इनको ये नहीं पता था कि मौत का वक्त तो हमारा करीब आ चुका। कहते हैं कि दो चोर किसी घर में आए चोरी करने की नीयत से, तो एक बुढ़िया और बूढ़ा कमरे में सोए हुए थे। इन्होंने उन दोनों को रस्सियों से बांध दिया चारपाइयों के साथ और दोनों की चारपाइयां उठाकर सेहन में रख ली, मुंह पे टेप लगा दी ताकि हम कमरे में तसल्ली के साथ सामान को खोलेंगे और कीमती सामान को ले जाएंगे। जैसे मियां बीवी की चारपाइयां इन्होंने सेहन में रखी, ये कमरे के अंदर गए कि हम चोरी करते हैं, अचानक कमरे की छत गिरी और ये दोनों चोर दबकर मर गए। मोहल्ले वाले आ गए, शोर हुआ था। अब वो हैरान कि मियां बीवी तो रस्सियों से बंधे हुए, उनसे पूछा भाई तुम्हें बाहर किसने निकाला? कहा हमें तो पता नहीं, हम तो अंदर सोए हुए थे। उनको खोला गया, जब मलबा हटाया गया तो उसके अंदर दो चोरों की लाशें दबी हुई थी। पता चला कि चोर इनको निकाल रहे थे कि हम चोरी करेंगे और उनको ये नहीं पता था कि हम अपनी मौत का खुद इंतजाम अपने हाथों से कर रहे। तो इंसान कई मरतबा मौत से दूर भागता है और हकीकत में वो मौत के करीब से करीब तर हो रहा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें। मोहलत हर एक को मिली है, किसी को कम किसी को ज्यादा। इस मोहलत से जो फायदा उठाएं वो खुश नसीब इंसान है। इस दुनिया में आपको अल्लाह का मुनकर तो मिल जाएगा, रिसालत का मुनकर भी मिल जाएगा, दीन का मुनकर भी मिल जाएगा। इस दुनिया में आपको मौत का मुनकर कोई नहीं मिल सकता। दहरिये से दहरिया भी होगा तो ये मानेगा कि एक दिन मुझे मौत आनी है। जब मौत आनी ही है तो क्यों ना इंसान उसके लिए तैयारी करिए। और मौत की तैयारी ये नहीं कि इंसान जॉगिंग करे और वेट लिफ्टिंग करे और एक्सरसाइज करे, नहीं। मौत की तैयारी ये है कि इंसान अपने पिछले गुनाहों से तौबा कर ले, आइंदा नेकोकारी की जिंदगी गुजारने का इरादा कर ले और जो लोगों के हुकूक इस पर हैं उनसे माफी मांग ले। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel for more videos.